जय हिंद। आप देख रहे हैं द कैनी न्यूज़। आज फिर मैं अपने खेत में आया हूं और खेत में पानी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना लहलहाती फसल है, इसमें हम पानी दे रहे हैं। पिछले वीडियो में कुछ बंधु ने कमेंट किया था कि तुम खेती करो, हल चलाओ और हम लोग जॉब करेंगे। तो जी हाँ, गर्व से कहता हूँ मैं कि खेती करता हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं अन्नदाता हूँ और कहीं ना कहीं भारत के जीडीपी में योगदान देता हूँ, कहीं ना कहीं भूखे लोगों का पेट भरने का कार्य करता हूँ। अब हम बात करते हैं, आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप उस काम को कितने शिद्दत से कर रहे हैं ये मुख्य होता है। तो हम बात करेंगे मालगोदाम श्रमिकों के बारे में। कुछ हमारे मालगोदाम श्रमिक हैं जो आजकल काफ़ी परेशान हैं, शिफ्टिंग के समस्या को लेके, ट्रेनिंग की समस्या को लेके वो समझ नहीं पा रहे हैं कि शिफ्टिंग चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, ज्वाइनिंग होगा या फिर क्या होगा, ये खेल हो रहा है या उनके साथ कहीं मोए मोए तो नहीं हो जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पे बात करते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने मेल पे किया है, कुछ लोगों ने पर्सनली फ़ोन करके भी बात किया है। तो सारे बिंदुओं पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, रेलवे में नियुक्ति की प्रक्रिया सभी लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन निकलता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पास करने के बाद मेडिकल फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सब प्रक्रिया होता है, उसके बाद उनको नियुक्ति मिलती है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हम लोगों का तो सब्स्टिट्यूट बेस पे है या फिर डायरेक्ट है, ग्रांड एंट्री होगा। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि याद है हमें जब 2007-08 के क्रम में माननीय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो उस वक्त कुलियों का बहुत बड़ी मात्रा में कुलियों की वैकेंसी डायरेक्ट हुआ था। तो उन लोगों का जो वैकेंसी हुआ था उसमें भी डायरेक्ट जो है सो कि उनको समाहित कर दिया गया था, पे रोल दिया गया था। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग चल रहा है तो 6 महीने उनको पेमेंट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। रेलवे में नियुक्ति हुई और डे वन से आपका मीटर ऑन, और जितनी सैलरी आपको बननी है या बनती है उतना सैलरी आपको मिलेगा। आप तो ये कह सकते हो कि शुरुआत के 2-4 महीने आपको 2-3 हज़ार ज़्यादा मिलता है। अब आप पूछ सकते हैं वो कैसे, तो मैं बताता हूँ। शुरुआत के 2-4 महीनों में क्या होता है कि एनपीएस जो कटौती होती है ना, वो एनपीएस कटौती नहीं होता है, जनरेट नहीं हो पाने के कारण एनपीएस नंबर, तो उसमें 2-3 महीना लग जाता है। तो जब वो जब एनपीएस जनरेट हो जाता है, कटौती होने लगती है, तो 10% घट जाता है, लगभग 2-3 हज़ार रुपये वैसे कम हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि 2-3 हज़ार तो एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलता है। थोड़ा सा मैं अपने मोबाइल को स्टेबल कहीं कर लूँ क्योंकि हाथ दर्द होने लगा है, तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट आपको जो है ना डे वन से फुल ऑन मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शिफ्टिंग हो रहा है या फिर ट्रेनिंग हो रहा है। तो भाई मेरे, शिफ्टिंग और ट्रेनिंग ये सब जो है ना सब होता है ऐसा। शिफ्टिंग जो है आपका क्या, कुछ लोगों का डाउट है कि शिफ्टिंग के नाम पे कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना कर लिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 2-4 दिन तो हम लोगों को बुलाया गया, ID-ID दिखाया गया और उसके बाद जो है घर भेज दिया गया कि आराम करो, तुमको बाद में बुलाया जाएगा। तो ये सब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कहीं हमारे साथ गेम तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है, ऐसा होते रहता है। आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। रेलवे, यदि आप रेलवे में जा रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि आप लोग मान चुके हैं कि हम रेलवे में जा नहीं रहे हैं, शिफ्टिंग तो शिफ्टिंग पे ही बात क्यों ना करें हम। तो जैसे कि आप संगठन के पेरोल पे जा रहे हैं, संगठन आपको आईडी बनाया है, संगठन आपको जो है सो कि वहाँ पे डिब्यूट कर रहा है, संगठन का काम आप कर रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा काम कीजिएगा उतना आपको पेमेंट मिलेगा। अगर वो पेमेंट आपको वहाँ भी नहीं मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो मजदूरी है वो मजदूरी भी आपका संगठन ले रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको वो पूरा पूरा जो है मजदूरी वहाँ ले लीजिए, नहीं तो बाद में वो भी ना मिलेगा। अब ये जो ड्रामा चल रहा है ना शिफ्टिंग, और कहीं ना कहीं जो एक सब्जबाग क्रिएट किया जा रहा है, एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है, एक ऑरा जो बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं नए लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है कि नए लोगों को भ्रम जाल में फैलाओ, ज़्यादा ऑरा दिखाओ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाओ यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग सीनियर हो चुके हैं, कई लोग 10 साल 15 साल 20 साल से इसमें जूझ रहे हैं, तो आप कम से कम लालच में ना पड़िए, नए लोगों को ना जोड़िए। आपके सीनियर कह रहे हैं कि नए लोगों को जोड़ो, नए लोगों को जोड़ो, आप मत जोड़िए। आप क्यों पाप के भागीदार बनते हो,
नए लोग पढ़े लिखे जो आ रहे हैं उनको कहिए कि बाबू आप पढ़ाई करो, कंपटीशन की तैयारी करो और फिर जायज तरीके से आओ, इसमें कुछ नहीं होगा, भला नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले तुम कुछ और बोलते थे अब कुछ और बोलते हो। भाई वीडियो सही से देखते हो, सही से देख लिया करो यार। जो पहले बोलता था आज भी वही बोल रहा हूँ, पहले भी मैं बोलता था कि परमानेंट नहीं होगा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ परमानेंट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा भाई मेरे समझो, भाई आप समझो, समझने की कोशिश करो। शिफ्टिंग और ट्रेनिंग जो भी हो रहा है, यदि कोई आपको कह रहा है कि परमानेंट हम करवाएंगे, तो आप पेरोल पे पेमेंट लीजिए, आप नेफ्ट के थ्रू पेमेंट, जो DFM होता है, डिविजनल फंड मैनेजर होता है, उसके थ्रू आपका पेमेंट आएगा। पेमेंट आपको डायरेक्ट आएगा अकाउंट में और कोई कटौती नहीं, कोई ट्रेनिंग में कम नहीं, ये सब 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 फर्जीवाड़ा, कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और मेरा स्टेटमेंट हमेशा एक ही रहा है, आज भी वही है। मैं ऐसा नहीं है कि पिछले वीडियो में कुछ बोला, इस वीडियो में कुछ बोला, आप लोग समझते गलत हो। मैं बोल रहा हूँ क्या कि अभी माहौल क्या है आप समझ रहे हो, उसी माहौल के अकॉर्डिंग आपको शिफ्टिंग और ये वो का थोड़ा सा ऑरा क्रिएट किया जा रहा है ताकि और भी कुछ लोग जुड़े। भाई नए लोगों को तो एटलीस्ट मना कर दो। हाँ वो लोग ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये माल गोदाम है, इसमें बोरी ढोएंगे, जितना बोरी ढोएंगे उतना पैसा मिलेगा, वो समझने के बाद आना चाहते हैं तो उनको आने दो। लेकिन अगर उनको ये कहा जा रहा है कि इसमें आ जाओ, ये परमानेंट जॉब होगा, उसको सारी फैसिलिटी मिलेगी, फलाना मिलेगा, धमाका मिलेगा, ऐसे करके उसको बुलाया जा रहा है, तो आप रोको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसको ये कह के बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे आओ, मजदूरी करो, काम ले जाओ, तो आने दो, कोई आपत्ति नहीं है। मेरा आपत्ति सिर्फ इतना है कि लोगों को गलत तरीके से इसमें एंट्री मत लेने दो, ठीक है। उससे अच्छा है यार अपना खेती करो ना, खेत है खेती करो, दुकान खोलो, बिजनेस कर लो, कहीं जाके काम कर लो। क्यों ऐसे सब्ज बाग पालना जो पूरा होने वाला नहीं है। और ये मैं बात खोल के कहता हूँ, जिसको कोई आपत्ति है तो वो हमको प्रमाण देना कि किसको क्या हुआ है। और कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत जल्द पार्टी लूंगा, यार आओ ना, कितने लोग आओगे बता देना, उसी हिसाब से मैं लोन ले लूंगा। 5-star होटल मुंबई चलेंगे, ताज होटल में बैठ के तुमको ट्रीट देंगे। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रहा हूँ, ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। जिस दिन तुम्हारे संगठन के द्वारा रेल में परमानेंट जॉब हो जाएगा, उस दिन तुम मेरे पास आना, तुमको हम मुंबई के ताज होटल में ले जाके तुमको ट्रीट नहीं किए, दावत नहीं दिए, तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे बात नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मजदूरी करना है तो फिर बेस्ट है, माल गोदाम में आओ, बोरी ढो, पैसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट के नाम पे आ रहे हो तो गलत है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग सिर्फ यूट्यूबर का काम है कि निगेटिव न्यूज चला जाएगा। यार सच बताओ ना, सच बताने से क्यों डरते हो? निगेटिव है तो निगेटिव नहीं बताओगे तो तुम मिर्च मसाला डाल के पॉजिटिव बता दोगे? अभी दिन है तो मैं कह दूंगा कि रात है। अरे दिन है तो दिन कहो, रात जब होगा तब रात कहना। निगेटिव जब हो ही रहा है तो तुम उसको पॉजिटिव बनाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? पॉजिटिव कैसे बन जाएगा जी, निगेटिव कोई चीज़ पॉजिटिव बनता है? कितने यूट्यूबर सिर्फ हर चीज़ें को पॉजिटिव दिखाने में लगे हुए हैं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, क्यों किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? जो रियल है, फैक्ट है, बोलो ना, फैक्ट बोलो कि माल गोदाम में तुम आओगे, बोरी ढोओगे, पैसा मिलेगा, ये फैक्ट है। तुम्हारे लिए लड़ा जा रहा है कि तुमको बढ़िया पानी की फैसिलिटी मिले, ये फैक्ट है। तुम्हारे लिए लड़ा जा रहा है कि तुमको बैठने के लिए कहीं सेट बना के मिले, ये फैक्ट है। तुम्हारे लिए लड़ा जा रहा है कि कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी तो यार मिल जाए, मिलेगा ना मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये सब चीज़ें किया जा रहा है। पानी का व्यवस्था, पंखा का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था, लेटने का व्यवस्था, ये सब किया जा रहा है, इस पर बोलो, ये फैक्ट है। लेकिन तुम ये क्यों बोलते हो जी कि परमानेंट किया जाएगा? रेलवे मिनिस्ट्री डायरेक्ट जो है सो कि अपॉइंटमेंट कर रही है, करने वाली है, फलना जगह यूपी में होगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल में होगा, आसाम में होगा, मतलब कहाँ कहाँ होगा, पूरे राज्य में होगा। क्यों बोल रहे हो? कहाँ है तुम्हारे पास नोटिफिकेशन? किस साइट पे तुम देख लिए, रेलवे के किस साइट पे देख लिए कि रेल मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि माल गोदाम श्रमिक संघ का ये होने वाला है? कहाँ देख लिए? कुछ देखे नहीं, ऐसे कह दोगे कि ये मैं बात ना बोलूंगा तो निगेटिव चला जाएगा? अरे पॉजिटिव के चक्कर में किसी को जो है जो बहकावे में ले लोगे, झांसे में ले लोगे। तुम्हारे पॉजिटिविटी के चक्कर में जानते हो कितने फ्रॉड लोग कितने लोगों को लूट रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हो?
मत करो भाई, फैक्ट बताओ फैक्ट। दिन है तो दिन बताओ, रात है तो रात बताओ, है ना। अभी धूप नहीं निकले, सूर्य भगवान थोड़ा सा बादलों के दौर में छिपे हुए हैं, तो मैं कह दूंगा कि अभी रात होने वाला है, हैं? ऐसा मत करो। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।